जब आप देखो वो दुनिया से अमन की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह फलस्तीन के मुसलमानों को कह दो कि जंग बंदी कर ले। ये हमारा ईमान है कि आज भी दुनिया के मुसलमानों ने बता दिया कि सुपर पावर कुछ नहीं होती जब तक अल्लाह नहीं चाहता, कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। उन लोगों को कहना चाहता हूं, बास हजरात सोचते हैं और आजकल सोशल मीडिया के गुमराह प्रोपेगंडा करने वाले भी कि फलस्तीन तबाह हो गया। हम मानते हैं कि 35,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई है, बूढ़े शहीद हुए हैं, लेकिन जरा उस दुश्मन की भी तो बात करो जो ये कहता था कि सुपर पावर मेरे साथ है, जिसका ये दावा था कि 24 घंटे में मैं दुनिया में कहीं कुछ भी कर सकता हूं, जिनको इस बात का गुरूर था कि हम हमारे इलाके में मक्खी कोई आ नहीं सकती, जो इस बात पर इतराते थे कि दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आओ आज 6 महीने बाद देखो वो दुनिया से अमन की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह फलस्तीन के मुसलमानों को कह दो कि जंग बंदी कर ले। ये हमारा ईमान है कि आज भी दुनिया के मुसलमानों ने बता दिया कि सुपर पावर कुछ नहीं होती जब तक अल्लाह नहीं चाहता, कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे, इसीलिए तो जो यहूदी इतराते थे कि हमारे पास तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। पूछो तो सही, क्यों क्यों बड़े बड़े यूएनओ के जरिए कहते हैं कि बार बार कि अब अमन हो जाना चाहिए। याद रखो सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से 1,500 साल पहले ये बात रूमियों को कही थी कि जिस तरह तुम शराब को अजीज समझते हो, इस तरह हम मौत के साथ मोहब्बत करते हैं, और जिन लोगों को मौत का डर ना हो उनको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती है। और जिन्हें शौक है फलस्तीन की जमीन पर, जो ये समझते हैं यहूदी के अमरीका की मदद के साथ हम इनके बच्चे मार रहे हैं, इन पर जुल्म कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर जो खामोश हैं, याद रखो फतेह इस्लाम का मुकद्दर है, फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। मैदान बदर में जब 313 थे मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, हमने उस वक्त अबू जहल पर फतेह हासिल की, और बदर से लेके आज भी रमला के मैदान तक, बदर से खैबर तक और खैबर से फलस्तीन तक और फिर बदर से पूरी दुनिया तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और कभी किसी जालिम को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। हम सलाम पेश करना चाहते हैं उन शहदा को जिन्होंने शहादतें तो दी हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावर को यह बताया कि बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हमारा रहेगा। कल भी वहां अजान और नमाज हो रही थी, आज जबकि 35,000 शहादतें हो चुकी हैं उसके बावजूद भी ईद उल फितर की नमाज मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस में अदा की है। तो ये दुनिया को यही पैगाम काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुखलिस बंदे किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, लेकिन अगर उनके ऊपर जुल्म हो तो वो साबित कदम रहते हैं, वहां से फरार की राह इख्तियार नहीं करते हैं। मेरे साथ मिलके फलस्तीन के हक में नारा लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि कम से कम कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में उन ताकतों को जो ये समझती हैं कि अगर इस्लाम के एक हिस्से को छेड़ा जाएगा तो दूसरे को तकलीफ नहीं होगी, तो आज मुसलमान उनको बता रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यकीन माने दुनिया का हमारे लिए इज्जत की यही बड़ी बात है कि चाइना से लेके यूएसए तक और यूएसए से लेके अफ्रीका तक
और फिर अफ्रीका से लेके हमारे मुल्क तक, यहां से लेके स्पेन की बड़ा पोष पहाड़ियों तक, और फिर वहां से लेके पूरे अरब तक, पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोग आज अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरिए कायम किए गए उस रिश्ते की वजह से जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उस रिश्ते की वजह से फलस्तीन के हक में खड़े हैं। फलस्तीन की इज्जत के लिए यही काफी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल फलस्तीन के लिए धड़क रहा है। तो आइए मेरे साथ मिलके खड़े होके इंशाअल्लाह ताला नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के जितने भी लोग मस्जिद में हैं, बाहर सड़कों पर हैं, सब लोगों से दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, यहूद और नसारा मुर्दाबाद, यहूदी साजिश मुर्दाबाद, यहूदी हुकूमत मुर्दाबाद, यहूदी गुंडागर्दी मुर्दाबाद, यहूदियों के हामी मुर्दाबाद, यहूदियत जालिम मुर्दाबाद, नारे तकबीर। मेरा तेरा रिश्ता क्या हो सके, ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा तेरा रिश्ता क्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।